उपवन में जो फूल होता है ना, वो ये निर्धारित नहीं करता कि मेरा भविष्य क्या है। मेरे बच्चों, वो फूल किसी भगवान की मूर्ति के नीचे भी आशीष में जा सकता है, किसी सुंदरी के बालों में भी लग सकता है, और वो फूल ऐसे नीच लोगों के पैरों में भी चला जा सकता है। ये वही फूल है जिसको आप कुचेल गए यूट्यूब पे। लेकिन मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, फूल को भगवान के चरणों में रख लो या सुंदरी के बालों में रख लो या फिर अपने पैरों तले को चल लो, उसकी खुशबू भयंकर लेवल पे फैलेगी और उसको आप रोक नहीं सकते। अगर आप इतना सा पेशेंस रखे होते, इतना सा मेरे रखा होता पेशेंस।